गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी शैल लर्न क्लास थर्ड इंग्लिश टॉपिक. फर्स्ट टॉपिक नेम इज प्रेयर. डियर स्टूडेंट्स, वॉच केयरफुली. गिव मी साइट टू सी द राइट. गिव मी साइट टू सी द राइट. गिव मीस देना, मी मिस मुझे, साइट मिस दृष्टि, टू सी द राइट सी मिस देखना, राइट मिस सही, सही देखने के लिए दृष्टि. इसमें बच्चे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि ये भगवान मुझे साइट दो, दृष्टि दो सही देखने के लिए. ये भगवान मुझे सही देखने के लिए नज़र दो, दृष्टि दो. गिव मी वर्ड टू से द राइट. गिव मी मुझे देना, वर्ड मीन शब्द, टू से कहने के लिए, राइट मीन सही या ठीक है. ए भगवान मुझे वो शब्द दो जिससे मैं सही या सत्य कह सकूँ. गिव मी पावर, पावर मीन शक्ति, टू डू द राइट. मुझे ताकत दो, शक्ति दो सही करने के लिए. ए भगवान आप मुझे वो शक्ति दो जिससे मैं भलाई के काम कर सकूँ, सच्चाई के काम कर सकूँ. गिव मी मॉरल विजडम एंड माइट. गिव मी मॉरल, मॉरल मीन्स नैतिकता, विजडम बुद्धिमान ज्ञान, माइट मीन्स ताकत. ए भगवान मुझे नैतिक ज्ञान बुद्धि तथा ताकत दो जिससे मैं अच्छे काम भलाई के काम कर सकूँ. नेक्स्ट आगे देखते हैं. टीच मी टू राइज लाइक द सन. टीच मीन्स सिखाना, पढ़ाना. मी मीन्स मुझे, टू राइज उदय होना, उठना. लाइक द सन सूर्य की तरह. ए भगवान मुझे सूर्य की तरह उगना सिखाओ, सूर्य की तरह उठना या प्रकाशवान होना सिखाओ. टीच मी टू शाइन लाइक द लाइट. टीच मी मीन्स मुझे सिखाओ, टू शाइन चमकना लाइक जैसे, लाइट मीन्स प्रकाश. ए भगवान मुझे प्रकाश की तरह चमकना सिखाओ. टीच मी सर्व लाइक द अर्थ. टीच मी मीन्स सिखाओ, टीच मीन्स सिखाना. मी मीन्स मुझे, टू सर्व सेवा करना लाइक जैसे, द अर्थ पृथ्वी. ए भगवान मुझे इस पृथ्वी धरती की तरह सेवा करना सिखाओ. टीच मी टू एडवांस लाइक द हाइट. टीच मी टू एडवांस लाइक द हाइट. टीच मी मीन्स मुझे सिखाओ, एडवांस सबसे ऊपर ऊंचाई की तरफ, लाइक जैसे, हाइट मीन्स ऊंचाई. ए भगवान मुझे ऊंचाई की तरह आगे बढ़ना सिखाओ या ऊंचाई की तरह ऊपर उठना सिखाओ. तो बच्चों ये था हमारा आज का लेसन वन इंग्लिश की बुक का क्लास थर्ड फर्स्ट टॉपिक था. टॉपिक का नाम था प्रेयर. अब नेक्स्ट इसके वर्ड मीनिंग करते हैं, देखते हैं ध्यान से. गिव, जी आई वी, गिव. गिव मीन्स देना. साइट, एस आई जी एस टी, साइट. साइट मीन दृष्टि, नज़र. वर्ड्स, वर्ड मीन शब्द. पावर, पी ओ डब्ल्यू आर, पावर. पावर मीन्स शक्ति. विजडम, विजडम इज ज्ञान या बुद्धि. टीच, टीच मीन्स सीखना. साइन, साइन मीन्स चमकना. अर्थ, अर्थ मीन्स पृथ्वी, जिस प्लेनेट पर हम रहते हैं उसी को अर्थ बोलते हैं. से मीन्स कहना. मोरल, मोरल मीन्स नैतिक. माइट, माइट मीन्स शक्ति. राइज, राइज मीन्स ऊपर उठना है, उदय होना. लाइट, लाइट एलआईजीएसटी, लाइट, लाइट मीन्स प्रकाश. सर्व, सर्व मीन्स सेवा करना, एडवांस आगे बढ़ना, प्रगति करना. ये थे इसके वर्ड मीनिंग. सभी बच्चों को अच्छे से याद करने हैं. नेक्स्ट देखते हैं अगली एक्सरसाइज, लेसन के अगले पेज पर चलते हैं और जो एक्सरसाइज है उसको ध्यान से देखेंगे. फिल इन द ब्लैंक्स विद स्टूबल वर्ड गिन इन द वर्ड लिस्ट. फिल इन द ब्लैंक्स, हमें ये ब्लैंक्स हैं, खालिस्तान ये भरने हैं जो पीछे वर्ड दिए गए हैं इसमें, इनके अकॉर्डिंग. द चिल्ड्रन वॉन्ट टू हैव, द चिल्ड्रन वॉन्ट टू हैव, बच्चे चाहते हैं क्या. वर्ड्स टू से द राइट, यहां से हमें वर्ड्स उठाना. ये देखो, विजडम, प्रे, वर्ड, लाइक, गॉड, इनमें से सेलेक्ट करके पढ़ना है. तो चिल्ड्रन वॉन्ट टू हैव वर्ड्स टू से द राइट, बच्चे शब्द चाहते हैं सही कहने के लिए, सत्य कहने के लिए. द चिल्ड्रन प्रे टू गॉड, बच्चे भगवान से प्रार्थना करते हैं. द चिल्ड्रन प्रे टू गॉड टू गिव देम मोरल, खालिस्तान या जो ब्लैंक है, एंड माइट, ये हमने पीछे पढ़ा था. मोरल, विजडम एंड माइट, ये था पेयर था पीछे. मोरल, विजडम, विजडम इस ज्ञान या बुद्धि, एंड माइट शक्ति.
बच्चे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें नैतिक ज्ञान और शक्ति दें। द चिल्ड्रन वॉन्ट टू साइन, चिल्ड्रन वॉन्ट टू साइन लाइक द अर्थ, बच्चे अर्थ की तरह चमकना चाहते हैं, सॉरी द लाइट, लाइट मीन्स प्रकाश की तरह चमकना चाहते हैं। द चिल्ड्रन प्रे टू गॉड, बच्चे किससे प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान से। तो क्या कर रहे हैं, भगवान से चिल्ड्रन प्रे कर रहे हैं, प्रे मीन्स प्रार्थना, टू गॉड किसे कर रहे हैं, गॉड से। वी शुड ऑल्सो प्रे टू गॉड, हमें भगवान से क्या करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, गॉड, गॉड मीन्स भगवान। नेक्स्ट देखते हैं, राइट द मीनिंग, राइट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, हमें इन जो वर्ड है इनके मीनिंग लिखने हैं। तो अभी हमने बुक लेसन के अंदर पढ़े थे, दोबारा देखते हैं। साइट, साइट मीन्स दृष्टि, नजर। पावर, पावर मीन्स शक्ति। मोरल, मोरल मीन्स नैतिक। विजडम, ज्ञान, बुद्धि। माइट, माइट मीन्स ताकत, शक्ति, एडवांस, आगे बढ़ना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है राइट द रेम्स वर्ड। अब रेम्स वर्ड क्या होते हैं, रेम्स वर्ड वो होते हैं जिनकी साउंड सेम हो, जैसे राइट, राइट का मन जाएगा आवाज सेम आनी चाहिए, साउंड बिल्कुल सेम। राइट, राइट का क्या होगा, माइट। सन, सन का मन जाएगा गन। अर्थ, अर्थ का मन जाएगा वर्थ। लाइट का साइट। तो ये थे साउंड सेम वाले, इन्हें बोलते हैं रेम्स वर्ड। अब क्वेश्चन आंसर है, ये भी मैं आपको करवाता हूं, ध्यान से देखना, जो बच्चे देख रहे हैं वो अपने कॉपी पेन निकाल लें और साथ साथ इसके क्वेश्चन आंसर करते जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू द चिल्ड्रन वांट टू हैव टू सी द राइट, व्हाट डू चिल्ड्रन वांट टू हैव टू सी द राइट, बच्चे क्या, What do children want to have to see that? बच्चे क्या चाहते हैं सही देखने के लिए, इसका आंसर आएगा They want sight to see the right. They want sight to see the right. नोट कर लेना बच्चे, They want sight to see the right. वे नजर चाहते हैं, दृष्टि चाहते हैं सही देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Why do the children want to have power? Why do the children want to have power? बच्चे ताकत किस लिए चाहते हैं, दे वांट पावर टू डू द राइट, इसका आंसर आएगा दे वांट पावर टू डू द राइट, वे सही करने के लिए ताकत चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डू द चिल्ड्रन वांट टू राइज, हाउ डू चिल्ड्रन, बच्चे कैसे राइज, राइज में सुदे होना चाहते हैं, उठना चाहते हैं। दे वांट टू राइज लाइक द सन, वे सन की तरह उदय होना चाहते हैं। इन द व्हाट वे डू द चिल्ड्रन वांट टू सर्व, बच्चे किस प्रकार से सेवा करना चाहते हैं। दे वांट टू सर्व लाइक द अर्थ, इसका आंसर आएगा दे वांट टू सर्व लाइक द अर्थ, एक बार रिपीट कर रहा हूं, दे वांट टू सर्व लाइक द अर्थ, फोर्थ का आंसर था बेटा ये। अब नेक्स्ट है 5, पॉइंट आउट रेम्स वर्ड इन द सेकंड स्टेंजा, सेकंड स्टेंजा में हमें रेम्स वर्ड ढूंढने हैं। तो पहला था राइट, आर आई जी एस टी राइट, फिर है माइट, एम आई जी एस टी, फिर है लाइट और नेक्स्ट लास्ट है हाइट। इन सब के जो साउंड है बिल्कुल सेम आ रही है, देखो राइट, माइट, लाइट और हाइट। तो बच्चों ये थे आज की क्लास के क्वेश्चन आंसर, फर्स्ट लेसन हमारा कंप्लीट हो चुका, नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं सेकंड लेसन में। आप लोगों को घर बैठ के इसकी प्रैक्टिस करनी है, सारे क्वेश्चन आंसर वर्ड मीनिंग याद करने हैं, और इसका जो है PDF फाइल आपको फ़ोन पर मिल जाएगी। धन्यवाद, थैंक यू।